डेटा कब तक स्टोर रखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल से ही इंसानों ने चित्रों और संकेतों के जरिए अपनी भाषाएं और ज्ञान दर्ज किया है, कहीं मिट्टी की पट्टियों पर तो कहीं पत्थरों पर। इस तरह बहुत सारी जानकारियां हजारों सालों तक सुरक्षित रहीं, इसलिए आज इस प्राचीन जानकारी को पढ़ा और डिकोड किया जा सकता है। आधुनिक स्टोरेज उपकरण आकार में बहुत छोटे होकर भी बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सीडी और डीवीडी की अनुमानित उम्र 100 साल से भी कम होती है। बड़ी कंपनियों के विशाल सर्वरों में जमा किया गया डेटा सैद्धांतिक तौर पर हमेशा के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, बशर्ते उसे लगातार कॉपी किया जाए और खराब हार्ड ड्राइव की जगह नई ड्राइव इस्तेमाल होती रहें। लगातार बढ़ रहे डेटा को नियंत्रण में रखने के लिए रिसर्चर और छोटे स्टोरेज उपकरण तैयार कर रहे हैं। भविष्य में सिंथेटिक डीएनए पारंपरिक डेटा कैरियर्स की जगह ले लेंगे। कृत्रिम तरीके से बनाई गई इन आनुवांशिकी संरचनाओं की क्षमता आधुनिक हार्ड ड्राइवों से 10 लाख गुना तक ज्यादा होगी। नियंडरथल डीएनए के पुनर्निर्माण से पता चला कि हजारों सालों बाद भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को साफ पढ़ा जा सकता था। एक और तरीका है क्वार्ट्ज में डेटा स्टोर करना। यह 5D तकनीक नैनो लेजर के सहारे बेहद तेजी से 5-डाइमेंशनल क्वार्ट्ज में जानकारी दर्ज कर सकती है। सिक्के जितने आकार के कांच से बनी ये डिस्क 360 TB तक डेटा स्टोर कर सकती है और ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं, करीब 14 अरब साल। अब 14 अरब साल बाद कोई उस डेटा को पढ़ने के लिए होगा या नहीं, ये अलग सवाल है।